नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा उन दोस्तों का जिन्होंने पहले पार्ट को खूब सराहा और फीडबैक भी दिया। थैंक्स दोस्तों। पार्ट वन में ओलिवर ने जाना कि विल पावर क्या है, ये ब्रेन में कहां लोकेटेड है और कैसे इसे मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में बाकी के लाइफ चेंजिंग आइडियाज। लाइफ चेंजिंग आइडिया नंबर 4 है कि कैसे विल पावर को जितना मर्जी मजबूत कर लें वो कमजोर पड़ ही जाती है। विल पावर इज लाइक ए मसल, व्हेन यूज्ड इट गेट्स टायर्ड। आप सुबह अपना दिन शुरू करते हैं पूरी विल पावर के साथ, फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आप बहुत से छोटे बड़े डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आज काम पे मेट्रो पे जाया जाए या कार पे, पहले बॉस के अर्जेंट मैसेज वाला काम किया जाए या दूसरे पेंडिंग काम, लंच में सबवे का सैलेड खाया जाए या KFC का चिकन। हर वो डिसीजन जहाँ पे आपको दो या दो से ज्यादा चॉइसेस में से चूज करना है, आपकी विल पावर यूज होती है और डिप्लीट होती रहती है। दिन भर इतने डिसीजन लेने के बाद रात को जब आप घर पहुंचते हो तो आपकी विल पावर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और अब आप और दिमाग लगाने के हालात में नहीं होते और ऑटोमेटिकली बस वो करते हैं जिसमें आपको इमीडिएटली अच्छा फील हो। सो वी कैन कंक्लूड दैट इफ यू डू नॉट रेस्ट द विल पावर मसल, यू विल रन आउट ऑफ इट कम्प्लीटली बिफोर द डे एंड्स। तो क्या पॉसिबल है अपनी विल पावर मसल को रेस्ट देना अपने हेक्टिक डेली रूटीन के दौरान? हाँ, ये पॉसिबल है। आपने दिन की शुरुआत की, ड्यूरिंग द डे आपने कुछ रूल्स को फॉलो किया, प्री प्लान द थिंग्स, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी टास्क एंड डोंट रेजिस्ट टू मच। अगर आपने ऐसा किया तो इट विल पुट लेस प्रेशर ऑन योर विल पावर मसल एंड योर विल पावर विल बी इन पावर सेविंग मोड फॉर द होल डे। तो इस आइडिया में ओलिवर ने समझा एक फिजियोलॉजिकल कारण विल पावर का मसल की तरह होना जो थक कर वीक होती है, और ये भी देखा कि कैसे पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या और भी ऐसा कुछ है जो विल पावर को वीक करता है? हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं, आइए देखते हैं इसे लाइफ चेंजिंग आइडिया नंबर 5 में। आपने कभी ना कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कि आपने एक्सरसाइज की, तो ड्यूरिंग द डे एक ना एक बार आपके मन में ये बात जरूर आती है कि आज तो मैंने एक्सरसाइज की है, आज तो आइसक्रीम खाना बनता है। या फिर अगर आप संडे को प्लान कर रहे हैं मंडे से बस घर का हेल्दी फूड खाना, तो प्लान करने के बाद आप सोचते हैं कि कल से तो घर का हेल्दी फूड खाना ही है, तो क्यों ना आज जी भर के फास्ट फूड खा लिया जाए। सो बीइंग गुड टुडे और प्लानिंग टू बी गुड इन फ्यूचर एक्चुअली गिव्स अस परमिशन टू बी बैड टुडे। ये है पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप, मोरल लाइसेंसिंग। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है व्हाट द हेल इफेक्ट। इट इज ए साइकिल ऑफ इंडल्जेंस, रिग्रेट एंड ग्रेटर इंटेलिजेंस। एक सिचुएशन सोचिए जहाँ पे आपने प्लान किया मंडे से फास्ट फूड ना खाने का, और फिर मंडे मॉर्निंग की शुरुआत सही से हुई, पर लंच में किसी कुलीग ने एक्स्ट्रा चीज वाला बर्गर मंगवाया, आप रजिस्ट नहीं कर पाए और बर्गर खा लिया। अब बर्गर खाने के बाद आप रिग्रेट करेंगे कि आपने सेट गोल पे आप स्टिक नहीं रह पाए। बात रिग्रेट पे खत्म नहीं होगी, रिग्रेट के बाद अगर आपको मौका मिलेगा और फास्ट फूड खाने का, तो आप जी भर के खाएंगे ये सोच के कि आज का दिन तो खराब हो ही गया है, तो क्यों ना पूरा मजा ले लिया जाए, कल से नई शुरुआत करेंगे। ये इंडल्जेंस, रिग्रेट और ग्रेटर इंडल्जेंस का साइकिल आपको डाइटर्स के अलावा जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल के एडिक्ट हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो स्ट्रॉन्ग विल पावर को भी वीक कर देते हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जिससे आप किसी भी विल पावर ट्रैप से बच सकते हैं। पहला तरीका एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। एक राजा बहुत सारे सोने और चांदी की तलाश में था जब उसने डिसाइड किया कि वो समंदर पार राज्य पर जीत पाकर उनका सारा सोना और चांदी लूट लेगा। राजा अपने 500 सोल्जर्स और 300 सिविलियंस को 11 शिप में लेकर पड़ोसी राज्य के समुद्र तट पर पहुंचा। अब सोल्जर्स और सिविलियंस बहुत डरे हुए थे क्योंकि पड़ोसी राज्य के पास एक बहुत ही आक्रामक और विशाल सेना थी। तो उन सबके मन में ये बात थी कि जिन जहाजों से आए हैं उन्हीं जहाजों से वापस लौट जाना चाहिए। राजा ये बात जानता था कि सेना जब तक ये सोचती रहेगी कि उनके पास वापस जाने का ऑप्शन है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसने अपने भरोसे के सेनापति को कहा कि सब जहाजों में आग लगा दी जाए। तो इस तरह राजा ने पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए और अब सेना के पास बस एक ही रास्ता बचा था,
आगे बढ़ने का। तो जरूरी है कि आप चुने अपने डिजायर्ड गोल को, प्री कमिटमेंट करें उसे अचीव करने का और बंद कर दें वो सारे रास्ते जो आपको आपके गोल से डाइवर्ट करते हैं। दूसरा तरीका है विल पावर ट्रैप से बचने का, सेल्फ फॉरगिवनेस। एक छोटे से फेलियर को अपने गोल का अंत बिल्कुल मत बनाइए, अपने आप को उस विल पावर फेलियर के लिए माफ कीजिए और उठिए, आगे बढ़िए दोबारा अपने गोल की तरफ। तो आपने देखा कि कैसे इस आइडिया में ओलिवर ने समझा साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में और कैसे इन ट्रैप्स से बचा जा सकता है। आइए देखते हैं अब अगला और आखिरी लाइफ चेंजिंग आइडिया। एक रिसर्च हुई जिसमें शामिल हुए यूएस एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स। ओवर द टाइम ये पता चला कि कैसे एक फिजिकली आउट ऑफ शेप कैडेट बाकी सब कैडेट्स की फिटनेस को नीचे ले आता है। सिमिलर रिसर्च हुई जिसमें ये पाया गया कि कैसे ओबेसिटी इन्फेक्शियस है और फैलती है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो जैसे विल पावर को कंट्रोल में ना रख कर मिला हुआ मोटापा आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में फैल सकता है, वैसे ही अगर आप विल पावर को समझ कर उसे मजबूत करें और फिर अपने गोल्स को अचीव करें तो ये इम्प्रूव्ड विल पावर सबसे पहले आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में ही फैलेगी। तो दोस्तों, विल पावर इज इन्फेक्शियस, अंडरस्टैंड इट, एग्जर्ट इट एंड स्प्रेड इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ओलिवर की तरह ये लाइफ चेंजिंग आइडियाज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जगह ले चुके हैं और जल्दी ही डेली लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे आपकी विल पावर को मजबूत करने में। हम ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ जल्दी ही लौटेंगे, तब तक के लिए अलविदा।